आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई फाई मैथ्स बाई धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 को शुरू किया था और आज इस वीडियो में हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 6.3 के साथ साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो उसमें हमने पिछली वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं साथ ही कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एग्जाम में कई बार, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपको आ जाता है तो 6 भी आ जाएगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है भाई फंक्शन एफ डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। एफ फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है, दो तरीके से डिफाइन किया गया है। अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो आपका फंक्शन ये होगा और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है तो फंक्शन ये होगा, ठीक है। इज डेरिवेबल मतलब बताया गया है कि ये जो फंक्शन है आपका डेरिवेबल है, किस पर डेरिवेबल है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, ठीक है। वैल्यू नहीं लिखा मैंने, आपको बता देता हूं कि x की प्रत्येक वैल्यू पर, सभी x की वैल्यू पर ये आपका जो फंक्शन है ये कैसा होगा, डेरिवेबल होगा। तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जैसा कि आप एक्सरसाइज 6.1 के अंदर पढ़ चुके हैं, वहां पर हमने k की वैल्यू फाइंड आउट की थी, 6.2 के अंदर हमने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, लेकिन वहां पर डबल पॉइंट होते थे जिन पर हमें फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन होता था और डबल इक्वेशन बना लेते थे, ठीक है। तो यहां पर भी बस डबल अल्फाबेट है, ए और बी दो अननोन नंबर है हमारे पास जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर वेरिएबल डबल है तो इक्वेशन भी क्या चाहिए, डबल चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो एक बात मैंने कई बार रिपीट की है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है, अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो वो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, ठीक है ना। कंटिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं है डेरिवेबल हो, लेकिन डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है आपका बोला गया है कि ये एक्स की सभी रियल वैल्यू पर डेरिवेबल है, तो ये एक्स की सभी रियल वैल्यू पर कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है। तो हम पहले इसकी कंटिन्यूटी का कंसेप्ट लगाएंगे और वहां से एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर डेरिवेबिलिटी का कंसेप्ट लगाएंगे, वहां से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। तरीका समझ में आ गया। अब बात आती है किस पे चेक करेंगे, तो जिस पर एक्स की वैल्यू को डिफाइन कर रखा है, किस पर डिफाइन कर रखा है, वन पे डिफाइन कर रखा है। तो इसकी चाहे कंटिन्यूटी चेक करनी हो, चाहे डेरिवेबिलिटी चेक करनी हो, ठीक है, किस पर चेक करेंगे, वन पर चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे, वो तो हमें गिवन ही है, मतलब हमें इक्वेशन बनानी है यूज करके, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वन पर क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं, कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं। तो कंटिन्यूटी में आपको याद है सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू, फिर एलएचएल, फिर आरएचएल निकालना होगा हमें, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, और फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हम फंक्शन का सिलेक्शन करते हैं। तो फंक्शन का सिलेक्शन करने के लिए क्या देखते हैं हम भाई, फंक्शन की जब भी आपको वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, तो आपको दोनों में से दो या तीन फंक्शन आपको मिलेंगे, उनमें से किसी एक फंक्शन को सिलेक्ट करना होता है। आप पढ़ चुके हैं ये चीजें, ठीक है ना। तो किसका साइन देखते हैं, इक्वल टू का साइन देखते हैं। इक्वल टू का साइन आपको इसमें नजर आ रहा है, इसलिए मैंने ये फंक्शन लिया, यहां पर आपको इक्वल टू का साइन नजर आ रहा है इसलिए, ठीक है। अब इसमें x की टर्म है, तो x को मैं किससे रिप्लेस कर देता हूं भाई, 1 से रिप्लेस कर देता हूं। तो x को मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया है, जहां भी x नजर आ रहा है वहां पर मैंने 1 वैल्यू रिप्लेस कर दी है, और प्लस में मेरे पास क्या है, a है। तो आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 3, और प्लस में क्या हो जाएगा, a। तो आप देख सकते हैं यहां से फाइनल वैल्यू क्या आई भाई, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4, और प्लस में आपके पास क्या था, a था। तो फंक्शन की 1 पर वैल्यू ये होगी हमारे पास, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं एलएचएल, सभी चीजें आपकी पढ़ी हुई है, सीरियल वाइज वीडियो अगर देख रहे हो तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बीच में से देखोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी भाई। तो एलएचएल के अंदर हम क्या करते थे, स्मॉल डिक्रीमेंट करते थे, ठीक है, कुछ माइनस करते थे, और इसलिए हम यहां पर किसका साइन लगाते थे, नेगेटिव, ठीक है, माइनस का साइन लगाते थे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और क्या लिखेंगे, एफ एक्स, क्योंकि फंक्शन का सिलेक्शन करना बाकी है। तो एलएचएल के लिए फंक्शन का सिलेक्शन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, देखिए वैल्यू 1 में से हम माइनस कर रहे हैं, तो 1 में से माइनस कर रहे हैं तो नई वैल्यू 1 से क्या आएगी, लेस आएगी, यानी कि एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो देखिए किसमें एक्स की वैल्यू लेस देन 1, एक्स की वैल्यू लेस देन 1, यहां पर ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। तो लेस देन 1 इसमें, यानी कि ये फंक्शन सिलेक्ट होगा। और मैंने आपको सीधी बात भी बताई है कि एलएचएल में एक्स की तरफ कैसा साइन होना चाहिए, क्लोज। तो देखिए एक्स की तरफ क्लोज है, और आरएचएल में एक्स की तरफ ओपन, यानी कि आरएचएल में ये वाला फंक्शन आएगा, क्लियर है। चलिए फंक्शन का सिलेक्शन हो गया है, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या हो गया भाई हमारे पास, a। अब इसमें x की टर्म है, तो आपको वैल्यू को रिप्लेस करके दिखाना होगा। रिप्लेस कैसे करेंगे, यहां पर लिखा हुआ है 1 नेगेटिव, तो आप लिखेंगे 1 नेगेटिव, और साथ में इसके क्या लगा देंगे, h। ये स्मॉल डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है भाई,
तो नई लिमिट क्या हो जाएगी, सॉरी आपकी नई लिमिट क्या हो जाएगी भाई, नई लिमिट हो जाएगी एच टेंस टू जीरो, ठीक है, ये जीरो ही होती है हमारी हमेशा। तो चलिए नई लिमिट हो गई है एच टेंस टू जीरो, और एक्स को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, वन माइनस एच से। आप जहां भी आपको एक्स नजर आ रहा है वन माइनस एच लिखेंगे आप, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं एक्स को किससे रिप्लेस कर देते हैं, वन माइनस एच से। इसका स्क्वेयर था तो मैंने इसका स्क्वेयर कर दिया है, फिर प्लस थ्री था, एक्स को रिप्लेस कर देता हूं वन माइनस एच से, और प्लस में मेरे पास क्या था भाई, ए था। आप चाहे तो इसका होल स्क्वेयर ओपन करके फिर लिमिट रिप्लेस कर लें, या सीधी भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं सीधी ही रख देता हूँ, एच की जगह यहाँ लिखता हूँ जीरो, बचेगा वन, वन का स्क्वेयर करूंगा क्या आएगा, वन आएगा भाई। यहाँ पर भी एच की जगह रखूंगा जीरो, बचेगा वन, वन को थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा थ्री आएगा, ठीक है। जब लिमिट रिप्लेस कर देते हैं तो एल आई एम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिमिट रिप्लेस कर देते हैं तो एल आई एम यानी कि लिमिट नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से प्लस क्या आ गया हमारे पास, ए। तो फाइनल वैल्यू क्या आई भाई, थ्री प्लस वन कितना हो गया फोर, और प्लस यहाँ से क्या था हमारे पास, ए। तो ये हमारे पास एल एच एल की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे, आर एच एल निकाल लेते हैं। इसका आर एच एल निकालेंगे तो क्या होगा, स्मॉल इंक्रीमेंट होता है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम वन पॉजिटिव, क्या लिखेंगे भाई, वन पॉजिटिव, और क्या लिखेंगे, एफ एक्स, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वन में एड कर रहे हैं ना, वन में एड कर रहे हैं, तो आपको पता है नई वैल्यू वन से क्या आएगी, ग्रेटर आएगी, ग्रेटर आएगी तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो गई ना एड करने से, तो ग्रेटर देन वन इसमें, या फिर मैंने बताया था आर एच एल में एक्स की तरफ कैसा साइन होना चाहिए, ओपन। तो ये वाला फंक्शन का सिलेक्शन हो गया, फंक्शन सिलेक्ट करने आपको आ गए होंगे अब तक, ठीक है ना। तो चलिए एक्स को रिप्लेस कर देते हैं किससे, वन प्लस एच से, और नई लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, एच टेंस टू जीरो। चलिए तो नई लिमिट हो गई है एच टेंस टू जीरो, और जहां भी आपको एक्स नजर आ रहा है, ठीक है, वहां पर आप रिप्लेस कर देंगे वन प्लस एच। तो ये मैंने रिप्लेस कर दिया है वन प्लस एच, ठीक है, यहाँ पर एक्स नजर आ रहा था, वन प्लस एच रिप्लेस कर दिया है। अब एच की जगह क्या रख दूंगा, जीरो रख दूंगा, तो यहां से बचेगा वन, वन को बी से मल्टीप्लाई करूंगा बी, और प्लस में मेरे पास क्या है भाई, टू है। अब देखिए हमें गिवन था कि ये फंक्शन डेरिवेबल है, डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, किस पर, एक्स की सभी वैल्यू पर, यानी कि वन पर भी कंटिन्यूअस होगा, और कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। यहां पर लिख देते हैं एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू वन, ठीक है, ये हमें गिवन था। तो भाई अगर कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, फंक्शन की वन पर वैल्यू, एल एच एल और आर एच एल तीनों को हम इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, फोर प्लस ए, एल एच एल भी क्या आया भाई, फोर प्लस ए, और आर एच एल आपका क्या है, बी प्लस टू। अब इनमें से आप कोई भी दो टर्म को इक्वल रख ले, वहां से आपके पास इक्वेशन वन बन जाएगी, ठीक है। ये नहीं है कि लाइक टर्म को आप इक्वल रख लेंगे, इन दोनों को रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो एक इन दोनों में से और दूसरी ये रहेगी, यानी कि इन दोनों को या फिर इन दोनों को आप इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां से ले लेते हैं हम फोर प्लस ए और इक्वल्स टू किसके होगा, बी प्लस टू के भाई, ठीक है, बी प्लस टू के। अब मुझे क्या करना है, ए बी को मैं एक तरफ करना चाहता हूं, तो बी को मैं इधर ले आता हूं, बी इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, उधर हमारे पास बचा है टू, और इस फोर को मैं उधर ले जाता हूं, फोर उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा ए माइनस बी इक्वल्स टू प्लस का टू माइनस का फोर, प्लस का टू माइनस का फोर कितना बचेगा, माइनस का टू बचेगा, और ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी, ठीक है। तो हमने कंटिन्यूटीज की हेल्प से, कंटिन्यूटी की हेल्प से एक इक्वेशन बना ली है। दूसरा, ये फंक्शन आपका डेरिवेबल भी था, तो डेरिवेबिलिटी का कंसेप्ट लगाएंगे, वहां से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब इसकी डेरिवेबिलिटी चेक कर लेते हैं। देखिए फंक्शन आपका डेरिवेबल तो था ही, हमें गिवन था, इक्वेशन सेकंड बनाने के लिए हमें डेरिवेबिलिटी का केवल कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर चेक कर रहे हैं डेरिवेबिलिटी भी वन पर ही चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते थे, एलएचडी निकालते थे, आप पढ़ चुके हैं ये, ठीक है, इससे पिछली वीडियो में, तो एलएचडी निकालते थे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो चलिए निकाल लेते हैं, क्या लिखेंगे भाई, लिमिट एक्स टेंस टू, यहां पर लिखते थे ए, ठीक है, और ये लिखा जाता था आपका एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ये फॉर्मूला था आपका, और यहां पर क्या था, एक्स माइनस ए। एलएचडी निकाल रहे हैं ना, तो यहां पर नेगेटिव, और आरएचडी निकाल रहे होते तो पॉजिटिव का साइन लगता, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले हम ए की वैल्यू रखेंगे, और ए आपका क्या होता था, जिस पर आप डेरिवेटिविटी चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो हम किस पे चेक कर रहे हैं, वन पर, ठीक है, वन पर हमें गिवन था मतलब, ठीक है ना। तो वन लिख दिया मैंने, ए को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, वन से। तो ये हो गया आपका एफ एक्स, यहां पर हो जाएगा एफ ओ वन, और अपोन में क्या हो जाएगा भाई, एक्स माइनस वन, ठीक है। चलिए अब फंक्शन का सिलेक्शन करेंगे, फंक्शन का सिलेक्शन सेम वैसे ही होगा जैसे कंटिन्यूटी के अंदर होता था, ठीक है, अभी आपने देखा कंटिन्यूटी के अंदर जैसे कंटिन्यूटी में होता था ना वैसे ही होगा। देखिए वन में से माइनस कर रहे हैं नई वैल्यू, वन से लेस आएगी, यानी कि एक्स की वैल्यू लेस देन वन होनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू लेस देन वन तो इसी में है, तो यही फंक्शन सेलेक्ट होगा आपका।
तो सिलेक्टेड फंक्शन को लिख देते हैं यहां पर, क्या सिलेक्ट हुआ भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस ए, ये सिलेक्ट हुआ। अब देखिए जो फंक्शन सिलेक्ट होता है ना उसी पर वैल्यू निकालनी होती है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब ये समझते हैं हम कि फंक्शन की वन पर वैल्यू, ठीक है ना, फंक्शन की वन पर वैल्यू, तो जो सिलेक्ट होता है ना उसी पर निकालनी होती है डेरिवेबिलिटी में भाई, ये ध्यान रखना, यहां गलती करते हैं बच्चे अक्सर। तो चलिए इसकी वन पर वैल्यू निकाल लेते हैं, तो भाई फंक्शन हमारा क्या सिलेक्ट हुआ, फंक्शन हमारा सिलेक्ट हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस ए। अब इसकी मुझे वन पर वैल्यू चाहिए, रफली निकालेंगे आप, ठीक है ना, तो वन पर चाहिए तो आप एक्स को किस से रिप्लेस कर देंगे, वन से रिप्लेस कर देंगे, तो जहां भी एक्स था वहां पर मैंने वन रिप्लेस कर दिया है, वन का स्क्वेयर वन प्लस थ्री वन जा थ्री और प्लस में क्या हो गया ए, तो वन प्लस थ्री कितना हो गया फोर, फोर प्लस ए आ गई, मतलब इस फंक्शन की वन पर वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, फोर प्लस ए आ गई, ठीक है, ऐसे रफली आप निकाल देंगे। अपोन में क्या बचता है, अपोन में बचता है एक्स माइनस वन। चलिए और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं भाई, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव, वन नेगेटिव, और यहां पर क्या था हमारे पास था भाई एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स, ठीक है, प्लस ए, और इसमें बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज होंगे तो माइनस का फोर और माइनस का ए हो जाएगा, और अपोन में आपके पास क्या बचा है एक्स माइनस ए, तो आप देख सकते हैं ए से ए हमारा क्या हो गया है कैंसिल हो गए हैं, तो क्या बचा भाई यहां पर बचा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, सॉरी लिमिट एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव, और न्यूमिनेटर में क्या बचा है, न्यूमिनेटर में बचा हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स, और माइनस में आपके पास बचा है भाई फोर, और अपोन में क्या बचा हुआ है, अपोन में बचा हुआ है एक्स माइनस वन, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स को किससे, देखिए इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं भाई, न्यूमिनेटर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, तो इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है, चलिए मैं आपको फैक्टर करके दिखाता हूं इसके, तो भाई एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर, टेंथ क्लास में पढ़ाता हमने, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना, तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट कितना है वन है, ठीक है, तो रफली लिख लें, और कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है फोर है, वो भी माइनस का, ठीक है, रफली लिख लें, तो कितना आया माइनस का फोर, प्रोडक्ट कितना आया माइनस का फोर, और सम होना चाहिए एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है थ्री, तो आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का फोर आए और ऐड करें तो क्या आए प्लस का थ्री आए, ठीक है, तो दो नंबर बन गए हमारे, क्या बन गए भाई प्लस का फोर ले लेते हैं और माइनस का वन, प्रोडक्ट करा के देखिए आप यही आएगा और सम कराएंगे तो ये आएगा, ठीक है ना, तो ये फैक्टर करना हमने सीख लिया था टेंथ क्लास में ही, तो क्या फैक्टर बने भाई एक्स स्क्वेयर प्लस का तो क्या आया फोर, और इसको ब्रेक कर रहे हैं ना तो इसके साथ एक्स है तो इसके साथ भी एक्स लिखेंगे, दूसरा क्या आया था माइनस का वन, ठीक है, माइनस का वन आया था तो इसके साथ भी हमें क्या लिखना पड़ेगा एक्स और माइनस में क्या लिखेंगे फोर, ठीक है। अब वन किसी टर्म के इनटू में लिखना जरूरी नहीं होता, इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और लिख देते हैं तो भी गलत नहीं है, ठीक है। अब फर्स्ट टू टर्म में और लास्ट टू टर्म में लेंगे कॉमन, तो यहां से कॉमन होगा एक्स, क्या बचेगा भाई एक्स प्लस फोर बचेगा, ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस वन कॉमन कर लेते हैं, जहां पर कुछ कॉमन नहीं होता है ना तो माइनस मतलब वन कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन किया है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो एक्स प्लस फोर आ गया, देखिए दोनों सेम आ गए ना, इसका मतलब फैक्टर सही है आपके, ठीक है, तो एक्स प्लस फोर आप यहां से कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा एक्स और यहां से माइनस का वन, तो फाइनल क्या आ गया एक्स माइनस वन आ गया, ये काम आप रफली भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन इजी है अगर समझते चलेंगे तो, ठीक है, रटने की कोशिश करेंगे तो हार्ड पड़ेगा, रटने से आता भी नहीं है मैथ वैसे, तो भाई हमने फैक्टर कर लिए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्या है एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस वन। अब देखिए डेनोमिनेटर में भी क्या था एक्स माइनस वन, तो ये कैंसिल हो गए ना, फैक्टर करने का ये फायदा हुआ। चलिए तो क्या बचा है हमारे पास, बचा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव, और क्या बचा हुआ है भाई, बचा हुआ है x प्लस फोर, ठीक है। अब हमें अब भी x के टर्म बची है ना तो रिप्लेस करके दिखाना होगा, ठीक है, x के टर्म नहीं बचती तो कोई जरूरी नहीं था रिप्लेस करके दिखाना, लेकिन x की टर्म अभी बची हुई है तो हमें रिप्लेस करके दिखाना पड़ेगा। चलिए रिप्लेस कर देते हैं, तो यहां पर x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, x को हम रिप्लेस कर देंगे भाई वन माइनस तो था ही, ठीक है ना, वन माइनस और साथ में क्या लगा देंगे h, और नई लिमिट क्या हो जाएगी हमारी h टेंड्स टू जीरो, जैसे कंटिन्यूटी में करते थे, तो यहां पर हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू जीरो, नई लिमिट क्या बन गई है h टेंड्स टू जीरो, और x को आप किससे रिप्लेस कर देंगे वन माइनस h से, तो यहां पर मैंने लिख दिया है वन माइनस h, और प्लस में कितना था फोर था, ठीक है। अब h की जगह आप जीरो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो h की जगह आप रखेंगे जीरो प्लस का वन प्लस का फोर, कितना बचा भाई प्लस का फाइव बच गया, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास किसकी वैल्यू आई है, ये एल एच डी की आई है, एल एच डी की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई प्लस का फाइव। अब हम निकालेंगे आर एच डी, ठीक है, तो एल एच डी और आर एच डी दोनों में केवल एक चीज का फर्क था,
एलएचडी में लगाते हैं माइनस साइन, ठीक है, आरएचडी में लगेगा प्लस का साइन, तो फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, और यहां पर क्या लिखेंगे भाई, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। तो पहले आप ए की वैल्यू लिख लेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लिया करो, ठीक है ना। अब ए की वैल्यू रिप्लेस कर दो, ए की वैल्यू क्या थी, जिस पर डेरिवेबिलिटी चेक कर रहे हो आप, ठीक है, तो यह डेरिवेबल गिवन था वन पर, ठीक है, तो वन लिख देंगे हम, जहां भी आपको ए नजर आ रहा है वहां पर आप क्या लिख देंगे वन। तो ये हो गया हमारा एफ एक्स एफ ऑफ वन अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन। अब होगा फंक्शन का सिलेक्शन, ठीक है, तो देखिए वन प्लस है, वन में ऐड करेंगे नई वैल्यू वन से ग्रेटर आएगी, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन होनी चाहिए, यानी कि एक्स की तरफ ओपन साइन होना चाहिए, कैसे भी समझ लीजिए, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन का सिलेक्शन होगा, क्या सिलेक्ट हो गया भाई, बी एक्स प्लस टू। तो चलिए लिख देते हैं यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पॉजिटिव, और ये फंक्शन सिलेक्ट हुआ आपका बी एक्स प्लस टू, ठीक है, और अपॉन में क्या था एक्स माइनस वन। अब देखिए ये सिलेक्ट हुआ है ना, इसी पर आपको वन पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसी की, तो देखिए मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको, एफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या सिलेक्ट हुआ है, बी एक्स प्लस टू सिलेक्ट हुआ है भाई। अब इसकी वैल्यू किस पर निकालनी है, वन पर, तो एक्स को हम वन से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा बी इंटू वन प्लस टू, ठीक है, बी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, बी और प्लस टू आ गई भाई, बी प्लस टू आ गई है, ठीक है, लेकिन बाहर माइनस का साइन है, इसकी वैल्यू क्या आई बी प्लस टू, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस का बी और माइनस का टू हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, देख सकते हैं आप इसमें बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी टू से टू कैंसिल हो रहा है, टू से टू क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा यहां पर, ये देखिए टू से टू क्या हो गया है कैंसिल हो गया है, तो क्या बचता है, बचता है हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पॉजिटिव, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पॉजिटिव, और क्या बचा भाई बी एक्स माइनस बी बचा है, ठीक है ना, और अपॉन में क्या बचा, अपॉन में बचा है एक्स माइनस वन। अब मुझे न्यूमिनेटर में बी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं बी को कॉमन कर लेता हूं, तो क्या बचेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पॉजिटिव, बी मैंने कर लिया कॉमन, तो क्या बचा भाई एक्स माइनस वन, और अपॉन में भी क्या बचा एक्स माइनस वन, तो ये वाली टर्म क्या हो गई कैंसिल हो गई। क्या अब इसमें एक्स की टर्म बची है कैंसिल होने के बाद, नहीं बची ना, तो आपको रिप्लेस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्या बचा है बी बचा है, तो बी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये फंक्शन हमारा डेरिवेबल था, पहले से ही पता था हमें तो डेरिवेबल है, तो भाई डेरिवेबल कब होता है कोई भी फंक्शन, जब एलएचडी और आरएचडी की वैल्यू इक्वल हो, ठीक है ना। तो एलएचडी आपका क्या आया था, एलएचडी आपका आया था फाइव, ठीक है, निकाला था अभी हमने कहां पर, ये फाइव आया था, और आरएचडी आपका क्या आया है बी आया है, ठीक है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू तो हमें मिल गई, बी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई भाई फाइव। अब बचा क्या ए, अब ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वापस फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे जो हमने कंटिन्यूटी से बनाई थी, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन समझ के चलेंगे तो बहुत इजी चीज है। तो बी पुट कर देते हैं, बी इक्वल्स टू फाइव इन इक्वेशन फर्स्ट, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी उसमें रख रहे हैं भाई, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारा था ए माइनस बी, दिखाई दे रही होगी वहां पर आपको, बी की वैल्यू कितनी है फाइव, और इक्वल्स टू में आपके पास कितना है भाई माइनस का टू है, ठीक है। तो यहां से मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो मैं माइनस के फाइव को इधर ले आता हूं, इक्वल टू के उधर ले जाता हूं, किसका हो जाएगा प्लस का, तो ए इक्वल्स टू माइनस का टू प्लस का फाइव, कितना बचा भाई प्लस का थ्री, तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई प्लस थ्री, और बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई थी फाइव, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, केवल कंसेप्ट क्लियर रखना है। फंक्शन आपका डेरिवेबल था तो कंटिन्यूस भी होगा, ठीक है, डबल अल्फाबेट दिखे, अगर सिंगल होता तो हम कंटिन्यूटी चेक नहीं करते, केवल डेरिवेबिलिटी का कंसेप्ट लगा करके उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते, लेकिन डबल थे ए और बी, डबल हो गए ना, तो इक्वेशन भी डबल चाहिए थी, इसलिए हमने पहले कंटिन्यूटी से एक इक्वेशन बनाई और फिर डेरिवेबिलिटी से बना ही रहे थे कि बी की वैल्यू ही आ गई हमारे पास। अगर यहाँ ए और आता साथ में ए बी दोनों आते तो दोनों इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना पड़ता, ठीक है, लेकिन बी की वैल्यू ही आ गई तो उठा के फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया और एक ही निकाल ली, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर रखिए। और थोड़ा ये याद रखना है कि कोई फंक्शन अगर डेरिवेबल है ना तो वो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, ठीक है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है आपका बिल्कुल एच डी जिसके जैसा ही है क्वेश्चन नंबर फाइव के जैसा, चेंज क्या है, केवल इतना चेंज है कि यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है वन, वहां पर एक कॉन्स्टेंट दे दिया है सी, ठीक है, वहां पर नंबर ना देने की बजाय क्या दे दिया है सी दे दिया है। तो जहां पर मैंने इस क्वेश्चन में वन वन लिखा है ना, सेम वहां पर आप सी लिखेंगे, मतलब सी अप्लाई करेंगे, सी पर ही कंटिन्यूटी चेक करेंगे और सी पर ही डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है ना। बस फर्क यह है कि यहाँ सी लिख दिया, अल्फाबेट आ गया है, चीज वही है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। तो आप खुद से ट्राई करेंगे उसको, फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा उसका। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का।
देखिए भाई यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास एलिमेंट की नई बुक है तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, अगर आपके पास थोड़ी पुरानी बुक है तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका लास्ट होगा। तो 8 ही ले लिया मैंने क्योंकि ये डबल मोड में था, ठीक है। अगर 7 क्वेश्चन आपका लास्ट है तो आपके पास सिंगल मोड में होगा, तो डबल मोड का समझ में आ गया तो सिंगल का भी आ जाएगा। वैसे आप ये मोड को रिमूव करना पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। डबल मोड का भी डिस्कस कर चुके हैं, एक नहीं दो बार डिस्कस कर चुके हैं, 6.1 में भी और 6.2 में भी, और सिंगल मोड का भी हमने 6.1 में देखा था, ठीक है। तो चलिए डबल मोड के लिए ही डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या करना है आपको, शो दैट मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 2। हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है आपका x इक्वल्स टू 2 पर डेरिवेबल नहीं है, ठीक है। तो उससे पहले कि चेक करें हम, पहले हमें इनके मोड को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो पहले तो fx के इक्वल टू लेट कर लेते हैं। लेट fx इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, x माइनस 1 है और y क्या है, x माइनस 2। तो चलिए मोड को रिमूव करना हम पहले भी समझ चुके हैं, एक बार फिर से अच्छे से बताता हूं मैं आपको। इसके अंदर की वैल्यू को पहले आप चेक कर ले कि ये जीरो कब होगी, क्योंकि जो मोड ब्रेक होता है ना वो जीरो पर ही ब्रेक होता है। तो इसकी वैल्यू आप चेक करेंगे कि ये जीरो कब होगी, तो जीरो के इक्वल रख के देख ले भाई, एक्स माइनस 1 को जीरो के इक्वल रखेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी कि x इक्वल्स टू 1 पर ये जो है आपकी टर्म ये जीरो हो जाएगी। और ये जीरो कब होगी भाई, ये आपका x माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो रखे आप, x इक्वल्स टू कितना मिलेगा 2। वैसे तो देख के पता लग जाता है, ठीक है, अगर देख के पता नहीं लग रहा है तो जीरो के इक्वल रख लिया करो, ठीक है। तो ये कब जीरो हो रहा है भाई, 2 पर। तो आपको याद होगा कि डबल मोड जब भी आता था तो एक बार तो हम दोनों को नेगेटिव लिखते थे, एक बार तो दोनों को नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है ना। सिंगल मोड का याद होना जरूरी है भाई, सिंगल मोड में क्या करते थे, एक बार नेगेटिव लिखते थे, एक बार पॉजिटिव, नेगेटिव लिखते थे तो लिखते थे लेस देन, पॉजिटिव लिखते थे तो ग्रेटर देन। लेकिन डबल मोड है तो एक बार दोनों को नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। और नेगेटिव जब भी हम किसी चीज को लिखते हैं भाई, नेगेटिव लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर है भाई, मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि -5, तो ये आपकी जो वैल्यू है ये लेस देन है ना, किससे लेस है, जिस पर जीरो हो रहा है, मतलब जीरो से लेस है, नंबर की बात हो रही है तो जीरो से लेस है, ठीक है। तो नेगेटिव लिखा है मतलब ये जो है लेस होगा भाई, नेगेटिव लिखा है तो लेस होगा, किससे लेस होगा, जिस पर जीरो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है जीरो किस पर हुआ था, एक्स इक्वल्स टू 1 पर, तो इसके अकॉर्डिंग तो मुझे लिखना पड़ेगा लेस देन 1, क्योंकि नेगेटिव लिखा है, नेगेटिव जो वैल्यू होती है वो लेस होती है, तो इसके अकॉर्डिंग तो मुझे लिखना पड़ेगा लेस देन 1, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ये भी तो नेगेटिव लिखा है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लिखना पड़ेगा लेस देन 2, ठीक है। अब जब सेम साइन आ जाते हैं ना, देखिए ध्यान से, दोनों लेस देन के साइन है, जब सेम साइन आ जाते हैं ना तो आपको एक ही कंडीशन लिखनी है जिससे दोनों का ही काम हो जाए, ठीक है। तो देखिए ये वाली कंडीशन हम लिखेंगे, क्यों भाई ये वाली क्यों लिखेंगे, क्योंकि कोई वैल्यू अगर 1 से लेस है तो 2 से तो लेस ऑटोमेटिक होगी, फिर ये क्यों नहीं लिख सकते भाई, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि वैल्यू अगर 2 से लेस है तो 1 से भी लेस हो, क्योंकि 1.5 आ गई तो 2 से तो लेस है ये, लेकिन 1 से लेस थोड़ी ना है। इसलिए आप याद रखें कि जब भी लेस देन का साइन आता है तो आप लेस का मतलब क्या होता है, देखिए सीधी बात बता रहा हूं, लेस का मतलब दोनों में छोटा क्या है 1 है, तो 1 वाली कंडीशन आएगी, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, एक्स लेस देन 1। चलिए अब क्या करना है नेक्स्ट, अगले स्टेप में क्या करना है, जो छोटी टर्म है ना उसको पॉजिटिव कर देना है। तो देखिए ये 1 पर जीरो हो रहा है, ये कहां जाके जीरो हो रहा है, 2 पर जाकर के जीरो हो रहा है, तो ये छोटा हुआ ना, ये छोटा हुआ, तो इसको हम एक बार अब लिख देंगे पॉजिटिव। इसको मैंने बाहर किस चीज का साइन लगाया है, कोई साइन नहीं लगाया, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। और इसको रखेंगे नेगेटिव, एक्स माइनस 2 को कैसे रखेंगे, नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए इसको तो नेगेटिव रख रखा है, तो इसकी तो कंडीशन यही वाली रहेगी सेम, यानी कि ये तो आपका सेम ही रहेगा, एक्स लेस देन 2, ठीक है। लेकिन इसको पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव का मतलब क्या है, ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर होगा, जिस पर जीरो हो रहा है, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी किससे, 1 से। और ग्रेटर के साथ हम इक्वल टू का साइन भी लगाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव में जीरो भी इंक्लूड होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या कंडीशन बनी भाई, दोनों अपोजिट साइन है, ठीक है, एक लेस देन का है तो एक ग्रेटर देन का है, तो दोनों लिखने पड़ेंगे। कैसे लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा टर्न करके लिखूंगा ताकि मुझे एक्स एक बार ही लिखना पड़े, ठीक है। ये दोनों चीजें, ये जो लिखा है और ये जो लिखा है, ये दोनों सेम है, यहां पर भी एक्स की तरफ ओपन है, यहां पर भी एक्स की तरफ ओपन है, लेकिन बीच में मुझे एक्स लेना था ताकि दोनों के लिए मैं एक ही एक्स कॉमन एक्स लिखूं, ठीक है ना। तो ये एक्स मैंने बीच में ले लिया था और यहां पर मैं अब लेस देन 2 लिख दूंगा, ठीक है। तो एक्स कॉमन हो गया 1 के लिए भी और 2 के लिए भी, तो क्लियर है ये चीज। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में दोनों को पॉजिटिव लिख देंगे, बस समझने की बात यही है जो चल रहा है, अब की बार दोनों को पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको तो हमने पॉजिटिव पिछले स्टेप में ले लिया था, तो इसकी कंडीशन तो वही रहेगी जो पहले थी, मतलब एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू,
वन, ठीक है, लेकिन इसको अभी पॉजिटिव किया है तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो जाएगी। भाई पॉजिटिव ले रहे हैं तो मतलब ग्रेटर, किससे ग्रेटर, जिस पे जीरो हो रहा था, ठीक है। अब ये सेम साइन आ गए, सेम साइन आ गए तो भाई एक ही कंडीशन आएगी, तो किसका साइन है, ग्रेटर का, ग्रेटर का मतलब बड़ा, जो इनमें बड़ा हो, बड़ा कौन सा है, टू वाला है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो समझने की चीज यही थी, अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, x माइनस का हो जाएगा, वन प्लस का हो जाएगा, सेम इसमें भी x माइनस का और टू किसका हो जाएगा भाई, प्लस का, और कंडीशन क्या थी, x लेस देन वन। सेम यहां पर क्या होगा भाई, x माइनस वन, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस का x प्लस का टू हो जाएगा, कंडीशन क्या थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू वन बट लेस देन टू, ठीक है। यहां पर सेम रहेंगे क्योंकि बाहर प्लस का साइन है तो एच डी रहेंगे, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, और कंडीशन क्या थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो आप देख सकते हैं x की जो टर्म है वो कैंसिल हो गई हमारी, तो बाकी क्या बचता है भाई, बाकी बचता है हमारे पास माइनस का x, माइनस का x, तो माइनस का 2x, प्लस का 2, प्लस का 1 कितना हो गया, प्लस का 3 हो गया, ठीक है। यहां पर प्लस का 2, माइनस का 1, तो प्लस का 1 बच जाएगा, x प्लस x 2x, ठीक है, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 3 हो जाएगा, और कंडीशन जो थी वो सेम लिख दीजिए, x लेस देन 1, इसमें क्या था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू बट लेस देन 2, ठीक है, और यहां पर था भाई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो देखिए ये आपका सिग्नम फंक्शन बन चुका है, मॉडुलस फंक्शन से सिग्नम फंक्शन बना दिया हमने। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन कम से कम मतलब मोर देन वन तरीके से डिफाइन हो, एक से ज्यादा तरीके से डिफाइन जो फंक्शन होता है उसको हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे, तो किस पे चेक करेंगे, जिस पे बोला गया है, किस पे बोला गया है, टू पर, तो हम केवल टू पर चेक करेंगे, वन से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि पूछा टू पर गया है। तो यहां पर लिखेंगे एट एक्स इक्वल्स टू टू, डेरिवेबिलिटी चेक कर रहे हैं भाई, तो क्या लिखेंगे एलएचडी, ठीक है, और एलएचडी में क्या होता था, डिक्रीमेंट, तो क्या लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, पहले फॉर्मूला ही लिख लिया करो, ठीक है, और क्या लिखेंगे एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब आप ए की वैल्यू रिप्लेस कर दें, ए की वैल्यू क्या होगी, यहां पर जिस पर आप डेरिवेबिलिटी चेक कर रहे हो, किस पे चेक कर रहे हो, टू पर चेक कर रहे हो, तो जहां भी आपको ए नजर आ रहा है वहां पर आप क्या लिख देंगे, टू लिख देंगे भाई, तो ये मैंने लिख दिया है टू, ठीक है। यहां पर भी क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू। अब देखिए टू में से माइनस कर रहे हैं तो नई वैल्यू टू से क्या होगी, लेस होगी, ठीक है ना, सॉरी टू में से माइनस कर रहे हैं तो जो फंक्शन होगा आपका मतलब एक्स की वैल्यू जो होगी वो लेस देन टू होगी, यानी कि एक्स की तरफ क्लोज साइन होना चाहिए, किसके साथ, टू के साथ, एक्स की वैल्यू लेस देन टू, तो देखिए एक्स लेस देन टू, यानी कि ये वाला फंक्शन सिलेक्ट होगा, क्लियर है ना। तो जिस पर डेरिवेबिलिटी चेक कर रहे हो उसके साथ देखना है एलएचडी में क्लोज साइन, आरएचडी में ओपन साइन, ठीक है। तो ये वाला सिलेक्ट हुआ, क्या सिलेक्ट हुआ भाई, वन सिलेक्ट हुआ, तो चलिए लिख देते हैं, यहां पर लिख रहा हूं मैं लिमिट एक्स टेंस टू टू नेगेटिव, और आपका फंक्शन जो सिलेक्ट हुआ है वो क्या है, वन है, ये सिलेक्ट हुआ वन। अब इसमें एक्स की टर्म ही नहीं है, ठीक है ना, एक्स की टर्म ही नहीं है, सिलेक्टेड फंक्शन पर वैल्यू निकालेंगे हम भाई, फंक्शन क्या सिलेक्ट हुआ, देखिए अलग से निकाल के दिखाता हूं, फंक्शन जो आपका सिलेक्ट हुआ वो सिलेक्ट हुआ वन। अब इसी पर फंक्शन की टू पर वैल्यू निकालेंगे। अब एक बात बताइए, इसमें एक्स की टर्म होती तभी तो हम टू रखते हैं, एक्स की टर्म ही नहीं है, अगर आप यहां पर टू लिख भी देते हैं तो यहां तो एक्स है ही नहीं, क्या रहेगा, वन ही रहेगा, समझे ना। तो फंक्शन की टू पर वैल्यू भी क्या आएगी, वन ही आएगी, क्योंकि इसमें एक्स की टर्म नहीं थी, ठीक है। चलिए अपॉन में क्या है हमारे पास, एक्स माइनस टू है भाई, तो क्या होगा, अब देखिए वन माइनस वन, वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो। अब न्यूमिनेटर जीरो हो गया है तो डेनोमिनेटर चाहे कुछ हो, न्यूमिनेटर जीरो हो गया तो डेनोमिनेटर चाहे कुछ हो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी, क्योंकि न्यूमिनेटर जीरो तो वैल्यू जीरो, ठीक है ना। डेनोमिनेटर जीरो होता तो इनफाइनाइट हो जाती, और दोनों जीरो होते तो जीरो बाय जीरो की फॉर्म बन जाती, फिर हमें कोई मेथड अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन केवल एक जीरो है तो दोबारा कोई मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एलएचडी की वैल्यू जीरो आ गई, अब हम चेक करेंगे आरएचडी, ठीक है। आरएचडी में क्या होगा भाई, प्लस का साइन आएगा, मतलब लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू, क्या लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं ए प्लस, और यहां पर लिखेंगे एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब ए की वैल्यू क्या थी आपके पास, किस पर डेरिवेबिलिटी चेक कर रहे हैं आप, टू पर, तो लिखेंगे यहां पर टू पॉजिटिव, और ये लिखेंगे एफ एक्स माइनस, जहां भी ए है वहां पर आप टू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, और एक्स माइनस टू, ये हो गया है। चलिए फंक्शन का सिलेक्शन कर लेते हैं, तो फंक्शन का सिलेक्शन करेंगे तो क्या आएगा भाई, लिमिट एक्स टेंस टू क्या था हमारा, टू पॉजिटिव, ठीक है,
टू में ऐड कर रहे हैं तो टू में ऐड कर रहे हैं नई वैल्यू टू से क्या होगी ग्रेटर होगी तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन टू होनी चाहिए एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन टू या फिर मैंने सीधी बात बताई थी आरएचडी के लिए एक्स की तरफ कैसे साइन होना चाहिए ओपन किसके साथ टू के साथ तो टू के साथ ओपन साइन इसमें ये फंक्शन सिलेक्ट होगा। अब आप कहोगे सर ओपन साइन तो यहां पर भी एक्स की तरफ देखिए है ना लेकिन ये किसके साथ है वन के साथ है हम किस पर डिस्कस कर रहे हैं टू पर तो टू के साथ देखेंगे ठीक है तो ये फंक्शन सिलेक्ट होगा टू एक्स माइनस थ्री तो ये फंक्शन आपका सिलेक्ट हो गया भाई टू एक्स माइनस थ्री। अब ये जो फंक्शन सिलेक्ट हुआ है ना इसी की वैल्यू निकालनी है किस पर टू पर तो इसमें आप एक्स की जगह टू रख के देख लें आप टू रखेंगे एक्स की जगह रफली ठीक है ना रफली रख के देखें तो एक्स की जगह मैंने टू रख दिया है सोल्व करूंगा टू टू या फोर माइनस थ्री कितना बचा भाई वन बचा यानी कि फंक्शन की ये जो फंक्शन सिलेक्ट हुआ इसकी टू पर वैल्यू कितनी आएगी वन आएगी क्लियर है तो यहां पर मैंने लिख दिया वन और अपॉन में मेरे पास क्या था भाई एक्स माइनस टू था। चलिए और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या होगा हमारे पास टू पॉजिटिव न्यूमिनेटर में क्या हो गया भाई टू एक्स माइनस का थ्री माइनस का वन कितना हो जाएगा माइनस का फोर और एक्स माइनस टू तो यहां पर क्या होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव आपको दिख रहा होगा न्यूमिनेटर के अंदर से टू कॉमन हो रहा है तो टू कॉमन कर लेते हैं पूरा सिंप्लीफाई किया अगर हो सकता है एक्स के टर्म कैंसिल ही हो जाए ठीक है ना तो टू हमने कर लिया कॉमन तो यहां से बचा एक्स और यहां से फोर में से टू कॉमन गया कितना बचेगा टू बचेगा भाई और अपॉन में क्या बचा है एक्स माइनस टू तो आप देख सकते हैं एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल हो गया क्या एक्स की टर्म बची अब नहीं बची ना तो रिप्लेस करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है जो बचा है वो लिख देंगे आप क्या बचा है टू बचा है तो आरएचडी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई टू एलएचडी आपका क्या आया था जीरो आया था दोनों इक्वल नहीं है तो लिखेंगे एलएचडी इज नॉट इक्वल्स टू आरएचडी और इक्वल नहीं है तो फंक्शन आपका डेरिवेबल नहीं होगा तो लिख देते हैं एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल डेरिवेबल एट एक्स इक्वल्स टू टू तो एक्स इक्वल्स टू टू पर आपका ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा ठीक है यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।